गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट से, जहां वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन ने बीना में देश के पहले सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया है, जो डायरेक्ट इंजन ओवरहेड सिस्टम को पावर सप्लाई करेगा। दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने सोलर पावर प्लांट को जनवरी 2021 में इनॉग्रेट करने का प्लान किया है। दोस्तों, भोपाल के डिविजनल रेलवे मैनेजर उदय बोरवांकर जी ने बताया कि इस 1.7 मेगावाट कैपेसिटी वाले सोलर पावर प्लांट को इंडियन रेलवेज और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मिलकर 18 महीने में कम्प्लीट किया है, और ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली इंजन ओवरहेड सिस्टम में सप्लाई किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट सेटअप करके इंडियन रेलवेज अपने वैकेंट लैंड को यूटिलाइज कर रहा है, और इससे एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और ट्रेन्स की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इस सोलर प्लांट से 25 लाख एनर्जी यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस होंगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल को 1.37 करोड़ रुपीस एनुअली कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने इंडियन आर्मी को 10 मीटर शॉर्ट स्पैन मैकेनिकली लॉन्च्ड ब्रिजेस के 3 यूनिट्स हैंडओवर किए। दोस्तों, इन ब्रिजेस की बात करें तो इन ब्रिजेस को डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और इन ब्रिजेस को एलएनटी के तालेगांव फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया गया है। दोस्तों, इन ब्रिजेस को इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है, और ये ब्रिजेस मिलिट्री लोड क्लासिफिकेशन 70 के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले डीआरडीओ ने इन ब्रिजेस के 5 मीटर और 15 मीटर वेरिएंट को भी डेवलप किया था। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स ने बताया कि इन ब्रिजेस की मदद से इंडिया मैकेनिकल ब्रिजेस के फील्ड में आत्मनिर्भर बनेगा, और इन ब्रिजेस को डीआरडीओ ने न सिर्फ इंडिजिनियसली डेवलप और डिजाइन किया है, बल्कि ऑन शेड्यूल डिलीवर भी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को लेकर। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने पारादीप पोर्ट के लिए 3004 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में पारादीप पोर्ट के इनर हार्बर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और पोर्ट कोस्ट लाइन को डीप किया जाएगा, जिससे 1.5 से 2 लाख डेड वेट टनेज के वेसल्स को भी पोर्ट में इजीली एंकर किया जा सके, और साथ ही साथ पोर्ट के कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने बताया कि अभी पोर्ट में सिर्फ 1.1 लाख डेड वेट टनेज के वेसल्स ही एंकर कर पाते हैं, और बड़े वेसल्स को डीप सी में एंकर करना पड़ता है, और फिर वहां से कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग छोटे वेसल्स से की जाती है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जिससे फ्यूचर में बड़े वेसल्स को भी इजीली पोर्ट में एंकर किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि पारादीप कोलकाता क्लस्टर की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, जो अभी 210 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है, वो 2030 तक बढ़कर 400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन फेज में 800 लोगों को और ऑपरेशनल होने के बाद 200 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है उत्तर प्रदेश में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को लेकर। तो दोस्तों, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक स्ट्रांग प्लेयर बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रेटर नोएडा में 3884 करोड़ रुपीस में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब की बात करें तो इस लॉजिस्टिक हब में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के गुड्स के लिए एफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और फ्रीट कंपनीज और कस्टमर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इस लॉजिस्टिक हब में न केवल कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी जिनसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। दोस्तों, इस हब को बोरकी रेलवे स्टेशन के पास कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले लोगों के लिए रेल और रोड कनेक्टिविटी भी अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ इस लॉजिस्टिक हब में इंटर स्टेट बस टर्मिनल, लोकल बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन के साथ साथ कमर्शियल, रिटेल और होटल स्पेस भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो आ रही है टाटा स्टील से, जिन्होंने वेस्ट बंगाल के बोकारो कोल माइंस में लॉन्ग पाइप कन्वेयर इंस्टॉल किए हैं। दोस्तों, टाटा स्टील्स के ऑफिशियल्स ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रिप्लेस करके इन पाइप कन्वेयर को इंस्टॉल किया गया है, और इनकी मदद से कोल और बाई प्रोडक्ट्स को वॉशरीज से चैनपुर रेलवे स्लाइडिंग तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 4 किलोमीटर लंबे पाइप कन्वेयर की मदद से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, और ये कोल लॉजिस्टिक के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा।